यहाँ पर आप अपने लिए विध्वंस आमंत्रित कर रहे हैं अगर यहाँ पर आप टॉयलेट बनाते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन के साथ। नमस्कार, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद पढ़े लिखे हैं, उन इंटेलिजेंट लोगों के लिए है जो अपना दिमाग यूज़ करके वास्तुशास्त्र अप्लाई करना चाहते हैं अपने घर में, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो वास्तुशास्त्री हैं, जो वास्तुशास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, वैदिक वास्तुशास्त्र उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पहले तो मैं बता रहा हूँ महावास्तु में क्या अनर्गल बातें कही जा रही है। इनके इस ग्रंथ में पेज 91 पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ए कॉमन मिसकंसेप्शन दैट ए किचन एंड टॉयलेट इन ए बिल्डिंग शुड नॉट बी एडजॉइनिंग। मतलब ये भ्रांत धारणा है इनके अनुसार कि किसी भी बिल्डिंग में किचन और टॉयलेट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। मतलब इनके हिसाब से बहुत बढ़िया है ये। आगे क्या लिखा है, क्लियरली द आइडियल लोकेशन ऑफ ए किचन लाई एडजेसेंट टू द आइडियल लोकेशन फॉर ए टॉयलेट। क्या कह रहे हैं, आइडियल लोकेशन क्या है टॉयलेट की इनके हिसाब से, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब आग्नेय के पूर्व में, जो कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली की पद्धति है नॉर्थ इंडियन सिस्टम में उसमें 12वां भाव है। उसके साथ में ये कह रहे हैं किचन हो वहीं पर और वहीं टॉयलेट हो, और ये बहुत बढ़िया है। और कोई लॉजिक नहीं दिया इन्होंने, लेकिन कोई तर्क नहीं है। हालांकि बार बार ये ढिंडोरा पीटते हैं कि जी ये हमारा महावास्तु पद्धति मोस्ट लॉजिकल है, एनालिटिकल है, साइंटिफिक है। तो अब मैं आप सभी को आज 7 लॉजिक दूंगा कि यहाँ पर क्यों अशुभ है, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, जहाँ के विश्वकर्म प्रकाश में लिखा हुआ है के आग्ने पूर्वयोर मध्य दधि मंथन मंदिरम, पेज 40 पर इन्होंने खुद कोट कर रखा है। हालांकि इन्होंने बाद में कहीं फॉलो नहीं किया, वैदिक वास्तु कहीं फॉलो नहीं किया इन्होंने, बस ये दिखाने के लिए ये श्लोक 2 पेज में यहाँ रख दिए। और यहीं पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ होना चाहिए टॉयलेट, विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार यम नैऋत्योर मध्य पुरी त्याग मंदिरम। यम यानी यम की दिशा यानी के दक्षिण, और नैऋत्य यानी के साउथ वेस्ट के बीच में वहाँ पर होनी चाहिए टॉयलेट। तो अब मैं आपको यहाँ पर 7 लॉजिक दूंगा आज, फिर आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप सभी ने विज्ञान पढ़ा है, कॉमन लॉजिक लगाओ और मैं यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वैदिक वास्तुशास्त्र हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं लॉजिक दे रहा हूँ, जो कि इन्होंने केवल शुरू में कह तो दिया कि हम वैदिक वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी फॉलो नहीं किया उसको। कुछ का कुछ मनगढ़ंत कपोल कल्पनाओं के अनुसार रिकमेंडेशंस दे दी हैं। अब आप सोचो, टॉयलेट और किचन साथ साथ, एक आम आदमी कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैं यहाँ लॉजिक दे रहा हूँ, पहला लॉजिक है वास्तु पुरुष के हिसाब से। अब आप देखो, वास्तु पुरुष की पोजीशन अगर आप मानो कि ईशान में सिर है, मुंह नीचे की तरफ, और पंजे उसके गुदा मार्ग कहाँ है, नैऋत्य में, तो वास्तु पुरुष के अनुसार अरेंजमेंट करना चाहिए सभी एक्टिविटी का। तो गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग कहाँ पड़ता है वास्तु पुरुष का, नैऋत्य में, तो वहीं पर नैऋत्य के दाएं बाएं, या फिर मतलब नैऋत्य के दक्षिण में या नैऋत्य के पश्चिम में वहाँ पर टॉयलेट होनी चाहिए। और बिल्कुल विश्वकर्म प्रकाश यही कह रहे हैं कि नैऋत्य के दक्षिण में टॉयलेट होनी चाहिए, वहीं पर आप अपान वायु अपनी गंदी हवा वहाँ छोड़ेंगे, मल मूत्र का त्याग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इनके अनुसार वहाँ क्या है, जहाँ ये बता रहे हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, वहाँ क्या है, वास्तु पुरुष का दाया हाथ है। अब दाएँ हाथ से कोई रिलेशन है वहाँ पर टॉयलेट का, दाएँ हाथ से आदमी खाना पकाएगा, दाएँ हाथ से दूसरे कर्म करेगा। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो होम ऑफिस के लिए बढ़िया है, या घर की फूड फैक्ट्री है वो, उस काम के लिए बढ़िया है। तो कोई संगति नहीं बैठती वहाँ पर इस क्राइटेरिया के हिसाब से, फेल है। आप देख लीजिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कोई मतलब नहीं है। अब आइए दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया दिग्पाल का, दिशा स्वामी। वास्तुशास्त्र में, वैदिक वास्तुशास्त्र में 10 दिग्पाल हैं।
और नैरित्य के दिग्पाल कौन है? निरृति, निरृत, ऋत जो है सही, जो सही है वो ऋत, जो एक्सेप्टेबल है, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो मोरल है। निरृत मीन्स विच इज इलीगल, विच इज इमोरल, विच इज अनएथिकल। निरृति कहाँ की स्वामिनी है? शमशानों की, मलमूत्र, विष्टा, अशुभता की, असत्य की, मृत्यु की, शमशानों में निवास करती है वो। तो जो मलमूत्र है हमारा वो क्या है? अशुभ हो गया, वो तो गंदगी है, वो तो मृत हो गया शरीर का अंग, शरीर ने उसको एसिमिलेट नहीं किया, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बेस्ट है, यहाँ पर मलमूत्र निकालना मतलब शौचालय यहाँ होना, ठीक है। लेकिन अब महावास्तु पद्धति के हिसाब से, वैदिक वास्तु के अनुसार, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कौन सा दिग्पाल है? अग्नि। अग्नि का कहीं रिलेशन नहीं है मल त्याग से। अग्नि का काम है पहले तो खाना पकाना, जो हम किचन में पकाते हैं वहाँ किचन होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग करनी है वहाँ पर आपने, ये मतलब आप बिजली से भी फूड प्रोसेसर चला रहे हैं तो वो अग्नि है ना, एक किस्म से अग्नि का बदला हुआ रूप है बिजली। और फिर अग्नि वहाँ पर शरीर के अंदर जठर अग्नि है, आयुर्वेद के हिसाब से कई प्रकार की अग्नि है, वो जो हमारे ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, लीवर काम कर रहा है उसमें अग्नि है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर टॉयलेट का कोई मतलब नहीं है। तो महावास्तु पद्धति के अनुसार ये जो रिकमेंडेशन है टॉयलेट की ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बिल्कुल गलत बैठती है। अब आइए तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं। तीसरा क्राइटेरिया स्वामी ग्रह। वैदिक वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का एक स्वामी ग्रह है, वही ज्योतिष के 9 ग्रह जो हैं। तो अब समझिए यहाँ पर नैऋत्य में कौन सा ग्रह है? यहाँ पर है राहु, ये राहु की दिशा है। और राहु किसका कारक है? राहु है जहर का कारक, राहु है विजातीय द्रव्य का कारक, फॉरेन मैटर। नेचुरोपैथी में इसको फॉरेन मैटर कहा जाता है, विषैले तत्व हैं ये सभी। और टॉयलेट, मल मूत्र, अपान वायु ये निकालना, इसका मतलब राहु की जगह पर बेस्ट है, ये विषैले द्रव्य हैं। लेकिन अब महावास्तु के हिसाब से अगर लें, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट किसकी दिशा है? शुक्र की। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह है ज्योतिष में। शुक्र से देखते हैं फूड प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण। शुक्र रस का कारक है, टेस्ट सेंस, द्वितीयेश है काल पुरुष की कुंडली में शुक्र। फिर शुक्र सेक्स के रस का भी कारक है, सप्तमेश है वो। और हमारे यहाँ हिंदी संस्कृत साहित्य में रस कहे गए हैं जो नवरस, उनमें से श्रृंगार रस, जिसको रस राज कहा गया है, दैट इज रूल्ड बाय वीनस। शुक्र की देवी कौन है? देवी लक्ष्मी, सबसे सुंदर, सौंदर्य की देवी, धन की देवी। और ये वहाँ पर टॉयलेट बता रहे हैं, कैसे संगति बैठेगी? बिल्कुल गलत है। अब आइए अगला तर्क लेता हूँ मैं। चौथा लॉजिक है सूर्य की स्थिति के अनुसार। अब आप देखिए यम में नैऋत्य और मध्य, मतलब नैऋत्य के दक्षिण की तरफ, वहाँ क्या है? सूर्य अस्तगामी होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह आप उठे, दक्षिण में व्यक्ति सोया हुआ है वास्तुशास्त्र के अनुसार, और दक्षिण और नैऋत्य के बीच में वहाँ पर अगर टॉयलेट रखते हैं वहीं साथ ही, तो वहाँ टॉयलेट जाके फारिग हो सकते हो आप, वहाँ भी अंधेरा है। सूर्य कहाँ उदय हो रहा है? ईशान में, या ईशान के पूर्व की तरफ, और यहाँ अंधेरा है। तो आराम से सुबह यहाँ पर व्यक्ति शौच से निवृत्त हो सकता है, मलमूत्र का त्याग कर सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जो शौच जाना है, खाना खाना है, या प्रणय है, सेक्सुअल एक्टिविटी, वो बिल्कुल एकांत में होनी चाहिए। तो यहाँ एकांत मिल रहा है आपको, 2 बार शौच जा सकते हैं, आयुर्वेद ये कहता है। शाम को भी जाना है तो यहाँ सूर्यास्तगामी है उस वक्त में, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसको महावास्तु वालों के हिसाब से लें, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सूर्य अभी उदय हो रहा है वहाँ पर, सुबह सुबह तो हमारे यहाँ नहा धो के सूर्य को प्रणाम किया जाता है, ये वहाँ पे कह रहे हैं पोटी करो। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उजाला है, वहाँ प्राइवेसी नहीं है कोई, सूर्य की दिन भर रोशनी रहती है और बहुत शुभ रोशनी होती है, ठंडी रोशनी। तो ये बिल्कुल गलत रिकमेंडेशन है इनकी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट की। अब आइए मैं लेता हूँ पांचवा क्राइटेरिया। पांचवा क्राइटेरिया है गर्म और ठंडे क्षेत्रों का। अगर हम पूरे प्लॉट को, पूरे घर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब वायव्य से अगर आप आग्नेय तक एक लाइन खींच दें, तो जो ईशान वाला हिस्सा है वो ठंडा है और नैऋत्य वाला हिस्सा वो गर्म है, ठीक है ना। ईशान वाला हिस्सा क्या गुरु से शासित है, और नैऋत्य वाला राहु से, किस्म से ये कह लो। पहले लेते हैं आइडियल वैदिक वास्तु के अनुसार, नैऋत्य के आसपास अगर टॉयलेट होती है तो ये बहुत गर्म जगह है,
तो यहाँ जैसे ही आदमी मल त्याग करेगा वो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी बायोडिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, जिसको के जैव निम्नीकरण कहते हैं। वो बहुत जल्दी पंच तत्वों में विलीन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन महावास्तु पद्धति के हिसाब से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अगर लेते हैं, वहाँ अभी ठंडी जगह है, ये सूर्य की किरणें ठंडी हैं, वहाँ पे मल उसका विघटन शुरू नहीं होगा, वो सड़ता रहेगा, वो बदबू जनरेट करता रहेगा। और किचन के साथ में सोचो क्या हाल होगा दिन भर। तो ये इनकी रिकमेंडेशन बिल्कुल गलत है। अब आइए छठा मैं क्राइटेरिया लेता हूँ रंगों के हिसाब से। सात रंग हैं सूर्य की किरणों के, जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर नैऋत्य में अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त रंग है, रेडियो एक्टिव है, जो कि वो है इंफ्रा रेड कलर, अवरक्त कहते हैं। ये रेडियो धर्मी है, जहरीला है, और जो शरीर से मलमूत्र निकाल रहे हो वो भी जहर है। तो यहाँ पर जहरीली जगह पर जहर निकालना सबसे बढ़िया। भाई डस्टबिन में तो कूड़ा डालोगे, कोई उसमें सोने चांदी के बर्तन थोड़ा डालेंगे हम। तो यहाँ बिल्कुल बेस्ट है मल त्याग करना। लेकिन महावास्तु के हिसाब से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर जाएं, वहाँ पर कौन सा रंग है भाई? नीला रंग है, ठंडी है सूर्य की किरणें। फिर एकदम साउथ ईस्ट में हरा हो जाता है, जो कि न्यूट्रल है, ना गर्म ना ठंडा। तो वहाँ पर अगर मल त्याग करेंगे तो वो अभी बहुत शुभ रंग है, वो सारा पॉल्यूटेड हो जाएगा पूरा एरिया। और टॉयलेट ये है जो किचन के साथ, तब तो महामूर्खता है, वहाँ पर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है। अब आइए सातवां लॉजिक बताता हूँ मैं पंच महाभूतों के हिसाब से, जो कि इन्होंने बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। पंच महाभूतों की अवधारणा इनकी बिल्कुल गलत है। चाइनीज सिस्टम को उठा के तोड़ मोड़ के इंडियन सिस्टम में वैदिक वास्तु का ठप्पा लगा के उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ये, जिनके बारे में मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ। तो पंच महाभूतों में आप समझिए नैऋत्य में पृथ्वी तत्व है, और जो शौच आप जाते हो ना सुबह सुबह, जो मल है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट सॉयल, मिट्टी है वो। पृथ्वी तत्व यहाँ पर है, तो इससे बढ़िया कौन सी जगह होगी मल त्याग करने के लिए? यही बेस्ट है। हमारे ऋषियों ने, इतने ऋषि हो चुके कम से कम 18 वास्तु शास्त्र के, उन्होंने अवधारणाएं ऐसे नहीं दे दी। हजारों सालों के बाद, मंथन के बाद, एनालिसिस के बाद, तब कहीं जाके ये अवधारणाएं दी गई थी, वो आज तक सही हैं। और मैं पिछले 23 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकल मैनर में पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको लॉजिक दे रहा हूँ। लेकिन अब ये कहाँ बता रहे हैं जी? टॉयलेट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब अग्नि की जगह पर, जो कि वैदिक वास्तु के अनुसार अग्नि की जगह है। और अग्नि आपकी जठर अग्नि है, या लीवर में जो अग्नि है वो खाना पचाने के, या जो बाहर अग्नि है खाना बनाने के काम आती है, उसका मल त्याग से क्या लेना देना है? और अग्नि को आप खराब कर रहे हो, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अब मैं आप सबके सामने सात लॉजिक दे चुका हूँ, अगली आने वाले वीडियो में और लॉजिक दूंगा मैं। इन्होंने एक भी लॉजिक नहीं दिया, सरप्राइजिंगली। क्या लिख रहे हैं पेज 91 पर? सरप्राइजिंगली द आइडियल लोकेशन फॉर टॉयलेट एंड किचन आर एडजॉइनिंग टू ईच अदर एज पर द एलिमेंट्स एंड महावास्तु जोनल मेथड। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इनके पास, कोई तर्क नहीं है, बस बना दिया मन घड़ंत एकदम, इन्होंने सोच लिया तो हो गया। आप समझ लीजिए यहाँ पर आप अपने लिए विध्वंस आमंत्रित कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप टॉयलेट बनाते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन के साथ। धन्यवाद।